नमस्कार, स्वागत है आपका एवीवीएस क्लासेस में। तो पिछली वीडियो में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कुछ पार्ट को कवर कर लिया था, तो इस वीडियो में हम इसके पार्ट टू को देखेंगे और क्या क्या चीजें हम कवर करने वाले हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो लेकर आया हूँ मैं अनुग्रह शर्मा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले जो कवर करेंगे वो है सेल्फ इंडक्शन, उसके बाद हम सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए सोलेनाइड यानी कि एक परिनालिका का जो स्वप्रेरकत्व है, स्वप्रेरण है वो कितना होता है वो हम यहाँ पर जानेंगे। उसके पश्चात हम बात करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन क्वाइल, किसी भी एक कुंडली के भीतर ऊर्जा संचय, ऊर्जा का जो संचय है वो कितना होता है, स्टोर कितना होता है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एक किसी भी स्वप्रेरण के कारण। उसके बाद हमारा जो इसके इससे थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है वो है म्यूचुअल इंडक्शन, जिस पर बेस्ड अपना ट्रांसफार्मर भी है, ट्रांसफार्मर इसी पर बेस्ड एक युक्ति है, तो इस बुक को भी हम देखेंगे ट्रांसफार्मर। फिर आता है अपना एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि एडी करंट है और इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, इनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो ही रहने वाला है, तो आप इसको ध्यान से देखिए और पूरा वीडियो देखिए। और अभी तक आपने अगर हमारा एवीवीएस क्लासेस ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस लगातार देखने को मिलते रहे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले सेल्फ इंडक्शन, आप ये जो टॉपिक देख रहे हैं तो इसको हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। क्या सेल्फ इंडक्शन होता है? पिछली वीडियो में हमने फैराडे के कुछ नियम पढ़े थे और उसमें लेंज का नियम भी था, ठीक है। तो सेल्फ इंडक्शन जो है वो उसी सिद्धांत के आधार पर हम समझेंगे। हमने उस नियम में पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो वहां पर हमने जाना था कि अगर किसी भी चुंबकीय फ्लक्स में या मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन किया जाता है समय के साथ तो उसके कारण एक ईएमएफ जनरेट होता है जो कि क्या करता है, सदैव उस कारण का विरोध करता है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होता है। सो ये हमने पिछली वीडियो में जाना था। यहां पर हमें पता है कि अगर फ्लक्स में कोई भी चेंज हो रहा है तो ईएमएफ या फिर इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होना ही होना है, इंड्यूस्ड होना ही होना है। तो ये हमने पिछली वीडियो में जान लिया था। तो इसी पर आधारित है अपना स्वप्रेरकत्व। तो जब किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो की जाती है, तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है। ये नियम किसने बताया था? ये सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो अपना किया था ऑस्टेड ने, और ऑस्टेड के इस प्रयोग के आधार पर ही हमें ये पता चल गया था कि भाई अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है तो उसके साथ ही एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा ही होगा। तो इस प्रयोग के बाद ही हमें इस बारे में पता चलता है कि करंट के साथ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। अब धारा के मान में जब परिवर्तन किया जाता है किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में भी क्या हो जाएगा, उस समय परिवर्तन हो जाएगा। तो जब कुंडली से बद्ध किसी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो उससे एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं। तो सेल्फ इंडक्टेंस और अनदर वर्ड हम किसी दूसरे भाषा में अगर कहें तो इंडक्टेंस या प्रेरकत्व भी बोलते हैं, स्वप्रेरण या फिर स्वप्रेरकत्व इसको बोला जा सकता है। ऑफ द क्वाइल इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाइल ड्यू टू विच इट अपोज द चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फॉलोइंग थ्रू इट। तो सेल्फ इंडक्शन विद्युत चुंबक के प्रेरण की एक ऐसी घटना है जिसमें किसी कुंडली में प्रवाहित धारा को परिवर्तित करने से स्वयं उसी कुंडली में एक इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो जाती है या प्रेरित हो जाती है। तो यह घटना क्या कहलाती है? सेल्फ इंडक्शन कहलाती है। तो इंडक्टेंस इज अटेंड बाय ए क्वाइल ड्यू टू द सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द क्वाइल इटसेल्फ बाय चेंजिंग द इलेक्ट्रिक करंट फॉलोइंग थ्रू इट। If the current in the coil is increasing, the self-induced EMF produced in the coil will oppose the rise of current. That means the direction of induced EMF is opposite to the applied voltage. तो ये आप डायग्राम देखिए और इस डायग्राम से आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि एक हमने क्या करा है, एक coil लगाई। तो ये आप जो देख रहे हैं ये क्या है, एक सर्किट है या हम कह सकते हैं एक वायर है जिसको हमने कुंडली के रूप में मोड़ा है, क्वाइल के रूप में मोड़ा है इस तरीके से। तो इस क्वाइल के चारों ओर, चूंकि इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है, यहां पर आप देख रहे हैं कि बैटरी जुड़ी हुई है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो होती है। अगर हम स्विच को ऑन कर रहे हैं मतलब सर्किट अगर क्लोज है तो इस कंडीशन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी।
तो करंट की जो डायरेक्शन होती है ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, ठीक है। अब करंट तो फ्लो हो रही है इस तरीके से हो रही है, कुछ आप यहां पे देखिए इस तरीके से ये करंट फ्लो हो रही है। तो करंट जब फ्लो होगी तो इसके कारण ऑस्टेट के नियम के अनुसार उसके उनके एक्सपेरिमेंट के आधार पर हम कह सकते हैं कि इसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से हमने मान ली कि ये मैग्नेटिक फील्ड, तो इस मैग्नेटिक फील्ड में जब लगातार चेंज होता है तो उसके कारण एक क्या होता है ईएमएफ जनरेट होता है, उत्पन्न होता है। तो यहां पर फ्लक्स लाइन ये जो शो कर रही है, ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये फ्लक्स लाइन है, ठीक है, ये फ्लक्स लाइन है अपनी। और ये फ्लक्स लाइन जो है वो लगातार जब समय के साथ इनमें चेंजेस आते हैं तो उसके कारण एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, या फिर हम कह सकते हैं एक करंट इंड्यूस होगी, ठीक है। ये उसी कुंडली में होता है जिस कुंडली में करंट फ्लो हो रही है, जिस कॉइल में करंट फ्लो हो रही है ये उसी कुंडली में होता है, उसी कॉइल में होता है, इसीलिए इस घटना को हम क्या कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। क्लियर हो गया। सो वी नो दैट E इज इक्वल टू एल डी आई ओवर डी टी, हमने पढ़ा था। L जो होता है, L किसके इक्वल होता है, L होता है अपना, आपने पढ़ा था क्या होता है, L इज प्रोपोर्शनल टू, या हमने पढ़ा था कि phi B इज प्रोपोर्शनल टू I, और phi B अगर I के प्रोपोर्शनल, मतलब करंट यहां पर भी देखिए ये लिखा हुआ है कि If the current in a coil is increasing, the self-inductance EMF produced in the coil will be opposed to rise the rise of the current. So, phi B is directly proportional to I. That means, number of coil अगर N है, तो N phi is directly proportional to I हो जाएगा। जब यहाँ से proportional sign हटेगा, तो एक constant आएगा, which is L. इसको हम बोलते हैं स्वप्रेरकत्व। इसको क्या बोलेंगे? Self-inductance. यही अपना सेल्फ इंडक्टेंस है और यहीं से हमको L की वैल्यू मिल जाएगी N phi B upon I। तो ये अपनी L की वैल्यू है। अब यहां से हम कह सकते हैं कि E कितना हुआ। सो E की वैल्यू जो हम निकालेंगे, EMF की वैल्यू निकालेंगे, तो वो अपने को मिल जाएगी L di over dt। तो ये मान अपने को मिलने वाला है। यहां से आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर मैं इसको थोड़ा सा ठीक ढंग से लिखूं तो आप ऐसे समझिए, L की वैल्यू अभी हमने निकाली थी कितनी थी, तो L इज इक्वल टू, अभी हमने जो निकाला वो था अपना N phi B अपॉन I, यही मान था। तो यहां से E जो होता है वो क्या होता है, तो अगर मैं इसका डिफ्रेंसिएशन कर देता हूं, मतलब अगर यहां से E की वैल्यू निकालता हूं, तो E मुझे कितना मिल जाएगा, विद्युत वाहक बल, वो होता है फैराडे के नियम से N d phi ओवर dt, ठीक है। अब यहां से आप क्या कर सकते हो, यहां से आप इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हो d n phi b ओवर dt, इसको लिख सकते हैं। अब ये जो n phi है इसकी वैल्यू कितनी है, li, तो ये वैल्यू उठा के यहां पे रखिए तो आपको यही मान मिल जाएगा। तो E इज इक्वल हो जाएगा l di ओवर dt, और हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं l इज इक्वल टू e अपॉन di ओवर dt। तो ये फॉर्मूला जो है आप याद रखिए, और इन फॉर्मूले को याद रखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। तो यहां से जो निष्कर्ष निकल रहा है वो ये निकल रहा है कि यदि किसी कुंडली में एक एम्पियर पर सेकेंड की दर से धारा के मान में परिवर्तन होगा तो उसमें एक वोल्ट का इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा, उत्पन्न होगा। तो यहां से आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हो कि अगर एक एम्पियर प्रति सेकंड की दर से धारा में कोई परिवर्तन हो रहा है तो क्या होगा, एक वोल्ट का ईएमएफ प्रेरित हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। तो उस कंडीशन में स्वप्रेरकत्व कितना होगा, 1 हेनरी होगा, ठीक है, 1 हेनरी उस कंडीशन में क्या होगा, इसका स्वप्रेरकत्व होगा। तो स्वप्रेरकत्व का जो मात्रक है वो कितना होता है, हेनरी होता है। अब इस हेनरी को अपने लोग क्या ले सकते हैं, सो हम यहां पर आगे देख लेते हैं। तो हेनरी जो है वो किसके इक्वल होता है, सो 1 हेनरी इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर पर सेकेंड, ठीक है, ये 1 हेनरी के इक्वल है। अब ये जो हेनरी है, हेनरी के बारे में आप थोड़ा सा अगर हम विस्तार से चर्चा करें तो ये जो है स्वप्रेरकत्व का मात्रक है, या स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक है। अब इसको अगर हम मात्रक को कुछ इस तरीके से तोड़ दें, इसके मूल मात्रकों में तोड़ें, तो मूल मात्रकों में तोड़ना या फंडामेंटल यूनिट्स में तोड़ना कोई बड़ी बात तो है नहीं, अगर आप थोड़ा बहुत जानते हैं तो उसमें तोड़ सकते हैं। तो वोल्ट को हम लोग क्या लिखते हैं, जूल प्रति कूलम, ठीक है, जूल पर कूलम लिखते हैं हम इसको, वोल्ट को, इंटू
सेकेंड ईयर जो है ऊपर चला जाएगा, तो ये सेकेंड हो गया, ठीक है। उसके बाद अपॉन में क्या चल रहा है, एम्पियर, तो ये हो गया एम्पियर। तो इसको आप कुछ इस तरीके से आप तोड़ सकते हो। तो जूल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जूल को हम लिखते हैं न्यूटन मीटर, और यहां पर ये हो गया सेकेंड, नीचे हो गया अपना कूलाम, और ये हो गया एम्पियर। अब न्यूटन को हम लोग लिखते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये अपना कितना हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो सेकेंड से एक सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा कूलाम एम्पियर सेकेंड। इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम यहां पर जो इसको अगर हम तोड़ेंगे तो कूलाम एम्पियर, ठीक है, तो कूलाम को हम लोग क्या लिखते हैं, एम्पियर सेकेंड, तो इसको हम एम्पियर सेकेंड लिख देंगे, तो ये हो जाएगा देखिए किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर एम्पियर स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको क्या कर दिया, एक हेनरी को उसके फंडामेंटल यूनिट्स में तोड़ दिया। अब ये सारी जो है वो फंडामेंटल यूनिट्स है, ये किलोग्राम फंडामेंटल यूनिट है, मीटर फंडामेंटल यूनिट है, एम्पियर भी फंडामेंटल यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट की, और सेकेंड भी फंडामेंटल यूनिट है टाइम की। अब इसी आधार पर हम इसका क्या निकाल सकते हैं, विमीय सूत्र निकाल सकते हैं, डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, अब इसकी ये भी एक क्वेश्चन आया था, एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप यहीं से निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू और ए माइनस टू, तो ये क्या होगी, डायमेंशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, तो ये इसकी डायमेंशन है। ओके, कोई डाउट इसमें, अगर कोई भी मतलब क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है। तो अगर आपको मतलब वीडियो समझ में आ जा रही है तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए, ठीक है। तो आगे हम बढ़ेंगे, उससे पहले ये आप जो है उसको नोट कर सकते हैं, अगर आपको समझ में आ गया स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अब इसी के साथ हम जो है एक जो मात्रक ये है हेनरी, ये हेनरी बहुत बड़ा मात्रक होता है प्रेरकत्व का, लेकिन इसको हम क्या करते हैं छोटे छोटे मात्रकों में तोड़ देते हैं। तो जैसे हम हेनरी की जगह किसका यूज कर सकते हैं, 1 मिली हेनरी का यूज कर सकते हैं। सो 1 मिली हेनरी इज इक्वल टू 10^-3 हेनरी। माइक्रो हेनरी का यूज कर सकते हैं, तो 1 माइक्रो हेनरी इज इक्वल टू 10^-6 हेनरी। ऐसे हम पिको हेनरी का भी यूज कर सकते हैं, सो 1 पिको हेनरी इज इक्वल टू 10^-12। 1 नैनो हेनरी 10^-9 हेनरी। तो इस तरीके से हम छोटे छोटे मात्रकों में इसको तोड़कर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहीं पर आप थोड़ा सा इस पे इसके जो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि वही इसके जो सेल्फ इंडक्टेंस है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं और इसके कुछ पॉइंट्स हैं, तो आप इनको नोट भी कर लीजिए, आपको थोड़ा सा शॉर्ट नोट बनाने में थोड़ी सी इसके बारे में जानने में सहायता मिलेगी। फ्रॉम द अबव डिस्कशन, ऊपर जो हमने अभी तक पढ़ा, इस आधार पर द फॉलोइंग पॉइंट्स कैन बी ड्रॉन अबाउट सेल्फ इंडक्टेंस, तो इसके आधार पर हम कुछ निम्न जो बिंदु हैं उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो पहला है द वैल्यू ऑफ द इंडक्टेंस विल बी हाई इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स इज स्ट्रॉन्गर फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ करंट। सेकेंड पॉइंट क्या रहेगी, द वैल्यू ऑफ द इंडक्टेंस ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द मेटीरियल ऑफ द कोर एंड द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल ऑफ और सोलेनाइड। तो सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, एक तो किस पर निर्भर कर रहा है, जो फ्लक्स है मैग्नेटिक फ्लक्स है वो स्ट्रांग है या वीक है, इस बात पर निर्भर करेगा, क्योंकि हमने पढ़ा एल इज इक्वल टू एन फाई अपॉन आई, फाई जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स पर तो जाहिर सी बात है निर्भर करेगा। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स अधिक है स्ट्रांग है तो सेल्फ इंडक्टेंस भी क्या हुआ, स्ट्रांग हुआ। सेकेंड पॉइंट कह रहे हैं कि भाई जो वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस है वो डिपेंड करती है मटेरियल ऑफ द कोर, जो हमने कॉइल यूज करी है उसका मटेरियल कैसा है, हमने कॉपर वायर यूज किया है, हमने एल्यूमिनियम यूज किया है, कौन सा हमने मटेरियल यूज किया है उस पर निर्भर करेगा। एंड द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल और सोलेनाइड, जो हम कॉइल यूज कर रहे हैं उसमें हमने कितने टर्न्स लिए हैं, कॉइल के कितने टर्न्स हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्न्स इन अ कॉइल, तो फेरों की संख्या पर भी निर्भर करेगा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं कि द हायर विल बी द वैल्यू ऑफ द इंडक्टेंस इन हेनरी द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विल बी लोअर। तो अगर हेनरी में जो वैल्यू है वो हमें हाई चाहिए,
ठीक है, मतलब 100 एम्पीयर का मान अगर हमें अधिक चाहिए तो जाहिर सी बात है कि करंट भैया जो होगी वो लो रहेगी। तो यहां पर आप देखिए ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, बिकॉज एल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आई, सो वी कैन से दैट द हायर विल बी द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस इन हेनरी द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विल बी लोअर। तो यहां से देखने से रिलेशन से ही हमें पता चल जाता है 1 हेनरी इज ऑल्सो इक्वल टू 1 वेबर पर एम्पियर, तो 1 हेनरी जो होता है वो 1 वेबर प्रति एम्पियर के बराबर होता है। तो यहां से आप देख सकते हैं क्योंकि इसका मात्रक जो है मैग्नेटिक फ्लक्स का जो की यूनिट है वो क्या होती है वेबर होती है, और करंट की जो यूनिट होती है वो एम्पियर होती है। सो वी कैन से दैट द हेनरी इज ऑल्सो इक्वल टू वेबर पर एम्पियर। क्लियर हो चुका होगा। द सोलेनाइड हैज लार्ज सेल्फ इंडक्टेंस, तो ये जो सोलेनाइड है वो उसका बहुत अधिक स्वप्रेरकत्व होता है। तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए कि किसी भी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व सबसे अधिक होता है। आगे हम चर्चा में शामिल करेंगे सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनाइड। जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि इसमें हम कुछ बेसिक से टॉपिक कवर करने वाले हैं, तो उसमें से एक टॉपिक ये भी था सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनाइड। तो यहां पर एक सोलेनाइड बनी हुई है, इसको हमने किस तरीके से बनाया, तो हमने कॉपर वायर को इस तरीके से कॉइल के रूप में रोटेट कर दिया है, तो ये एक सोलेनाइड बन जाता है जिसकी रेडियस हमने आर मान लिया और लेंथ ऑफ सोलेनाइड इज एल। तो यहां पर हमने सोलेनाइड की जो लेंथ है वो एल मान ली है और नंबर ऑफ टर्न्स इज एन, यहां पर जो फेरों की संख्या है वो कितनी है एन। इन एक्सप्रेशन फॉर द सेल्फ इंडक्टेंस of a long solenoid, consider the solenoid of n turns with length L and the area of cross-sectional A. तो इसका आपने cross-sectional area A मान लिया है. It carries a current I. If B is a magnetic field at any point inside the solenoid, then magnetic flux per turns is equal to B into area of each turn. तो अब हम अगर magnetic flux निकालेंगे एक फेरे पर, तो वो हो जाएगा B into एरिया ऑफ ईस्टर्न। तो हर एक टर्न का, हर एक फेरे का जो एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो, तो यहां से बी की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, सिंस वी नो दैट फाई जो हो गया यहां पर वो कितना हो गया बी इंटू ए हो गया इस हिसाब से। सो यहां पर हमें पता है कि बी की वैल्यू क्या होती है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन एल। तो ये वैल्यू हम यहां पर अगर पुट करते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स फाइव बी इज इक्वल टू ये मिल जाएगा अपने को म्यू नॉट एन आई ए अपॉन एल। हेंस द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स फाइव लिंक्ड विद द सोलेनाइड इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ फ्लक्स थ्रू विथ थ्रू ईच टर्न एंड द टोटल नंबर ऑफ टर्न फाइव बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए अपॉन एल इंटू एन। तो हमने मान लिया कि फेरों की संख्या कितनी थी, टर्न्स कितने, नंबर ऑफ टर्न्स कितने थे, n थे, सो हम इसमें n से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 5b इज इक्वल टू म्यू नॉट n स्क्वायर ia अपॉन l। इफ l इज द कोफिशिएंट ऑफ द सेल्फ इंडक्शन ऑफ द सोलेनाइड देन 5b इज इक्वल टू li। तो दोनों को अगर हम इक्वल रखते हैं तो li इज इक्वल टू कितना हो जाएगा म्यू नॉट n स्क्वायर ia अपॉन l। यहां से हम l की वैल्यू निकाल सकते हैं, i से i जो है वो कैंसिल हो जाएगा यहां पे बहुत ही आराम से, तो L इज इक्वल टू मिल जाएगा अपने को म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। इफ द कोर इज फिल्ड विद द मैग्नेटिक मटेरियल ऑफ परमिटिविटी म्यू देन L इज इक्वल टू म्यू एन स्क्वायर ए अपॉन एल। अगर जो कोर है, जो क्रोड हमने बनाई है वो मैग्नेटिक मटेरियल की परमिटिविटी की मैग्नेटिक मटेरियल से क्या हो, फिल्ड हो, भरी हुई हो, परमिटिविटी जो है वो उसकी हमने म्यू मान ली, तब उस कंडीशन में जो म्यू नॉट है उसकी जगह क्या जाएगा, म्यू हो जाएगा। म्यू नॉट क्या है, ये परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम है, ठीक है, जबकि ये क्या है किसी भी मीडियम के लिए, किसी भी मीडियम के लिए म्यू हमने यहां पर वैल्यू ले ली, तो एल इज इक्वल टू जाएगा म्यू एन स्क्वायर ए अपॉन एल। उसके बाद हम बात करेंगे एनर्जी स्टोर इन कॉइल, तो किसी भी कुंडली के भीतर कितनी ऊर्जा संचित की जा सकती है, स्थितिज ऊर्जा का मान कितना होगा, तो वो हम यहाँ पर जानेंगे। तो यदि कुंडली के भीतर लौह चुंबकीय पदार्थ जैसे कि लोहे की क्रॉड है या कोई भी छड़ है वो रख दें, तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होता है, बढ़ जाता है, इसलिए कुंडली का जो स्वप्रेरकत्व है वो भी बढ़ जाएगा।
So energy is spent by the source to increase current from I to I plus di in time dt in a inductor is L di over dt into I dt. या फिर हम इसको ले सकते हैं एल आई डी टी. अब ये मान कैसे निकल गया है, तो हमें पता है कि क्या होता है, W इज इक्वल टू V इंटू क्यू. ठीक है, ये आपको पता ही है. सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू V इंटू डी क्यू. यहां पर V की जगह हम E यूज कर सकते हैं, ई एम एफ, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू E इंटू डी क्यू. अब अपने को पता है E इज इक्वल टू क्या होता है, L di over dt होता है. ये E की वैल्यू अभी हमने पीछे देखी थी, आपने अभी पढ़ी थी. तो E बराबर क्या होता है, EMF is equal to L di over dt and dq is equal to, यहां मैं बता देता हूं, since dq is equal to I dt or we can say that I is equal to dq over dt. So dq is equal to I dt. यहां से हम ये वैल्यू जब यहां पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आई डी टी. यही मान यहां पर डायरेक्ट लिखा हुआ है. सो डी टी से डी टी यहां पर हम कैंसिल कर सकते हैं एंड अपने को जो वैल्यू मिलेगी क्या मिल जाएगी, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एल आई डी आई. अब हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए. मैं यहां पर जो डी डब्ल्यू निकालो वर्क निकाल रहा हूं, वो वर्क निकालने का मेरा पर्पज क्या है, पर्पज यही है कि मैं यहां से एनर्जी निकाल सकूं, क्योंकि कार्य और ऊर्जा एक दूसरे से संबंधित होते हैं. तो यहां से जब हम कार्य निकाल रहे हैं तो वो क्या होगा, ऊर्जा के रूप में संचित होगा. तो मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, इसका इंटीग्रेशन कर सकता हूं. सो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एल डी आई एल आई डी आई, ये मिल जाएगा अपने को. तो यहां से डी डब्ल्यू का जब इंटीग्रेशन होगा तो वो हो जाएगा ई और ये सॉरी डब्ल्यू, और डब्ल्यू किसके इक्वल होगा, एनर्जी ई के. ठीक है, तो एनर्जी E के ये बराबर हो जाएगा. और यहां से हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट लग जाएगी 0 टू I. तो ये मिल जाएगा अपने को L, और इंटीग्रेशन जब हम इसका करेंगे तो ये हो जाएगा I स्क्वायर बाई 2, लिमिट लग जाएगी 0 से लेके I. तो ये यहां पर हम इस स्टेप पे पहुंच गए. तो E इज इक्वल टू अपने आप क्या मिल जाएगा, L. और यहां पर जब हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगाएंगे तो पहले रहेगा आई स्क्वायर अपॉन टू माइनस लोअर लिमिट 0 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 0. सो यहां पर जो हमें वैल्यू मिल जाएगी E इज इक्वल टू, वो मिल जाएगी 1 अपॉन टू एल आई स्क्वायर. ठीक है, तो ये मान हमें मिल जाएगा एनर्जी का. तो किसी भी एक कुंडली के भीतर जो ऊर्जा का मान है वो कितना होता है, हाफ एल आई स्क्वायर होता है, विच इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द कंडक्टर. यही क्या है, किसी चालक में संचित ऊर्जा का मान है. नेक्स्ट आता है अपना मेन टॉपिक म्यूचुअल इंडक्शन. एंड म्यूचुअल इंडक्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर जो बहुत ही हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी एक इलेक्ट्रिक एपरेटस है, जिसका बहुत ज्यादा हमारे जीवन में उपयोग है, तो उसका वो जो है ट्रांसफॉर्मर इसी सिद्धांत पर कार्य करता है. म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू कॉइल्स इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉइल ड्यू टू विच it oppose the change of electric current in the other coil, or you can say in the neighboring coil. When the current in the neighboring coil changes, the flux set up in the coil, and because of this changing flux EMF, it is EMF, is induced in the coil called mutually induced EMF, and the phenomena is known as mutual inductance. तो जब किसी एक कॉइल में सोर्स लगाया जाता है, वोल्टेज के द्वारा करंट फ्लो की जाती है, तो उसके पास रखी दूसरी कॉइल में स्वयं ही एक इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है, या एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है, एक करंट इंड्यूस्ड हो जाती है. तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं, यानी कि अन्योन्य प्रेरण कहते हैं. तो अन्योन्य प्रेरण की घटना क्या है, जब हम दो कुंडलियों को पास पास रखकर उनमें से एक को एक में बैटरी के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाएं, या उसमें प्रवाहित होने वाली जो इलेक्ट्रिक करंट है उसके मान में परिवर्तन कर दें, या धारा को बंद कर दें, तो दूसरी जो कॉइल जुड़ी लगी हुई है उसके पास ही, तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है
उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय प्रेरण की यही घटना जो है वो क्या कहलाती है, अन्योन्य प्रेरण या फिर म्यूचुअल इंडक्शन कहलाती है। बात समझ में आ गई होगी। तो इसमें क्या है कि पहली जो कॉइल है जिसमें हमने एक सोर्स जोड़ा है, जिसमें हमने बैटरी लगाई है या जिसमें कोई भी किसी भी प्रकार से धारा उत्पन्न की है, तो उस कॉइल को हम प्राइमरी कॉइल कहते हैं। और जिससे हम क्या कह रहे हैं, जिससे हम आउटपुट ले रहे हैं, जिसमें करंट इंड्यूस्ड हो रही है, उसको हम सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो यहां पर आप देखिए, ये अपनी क्या है, प्राइमरी कॉइल है, और ये अपनी है सेकेंडरी कॉइल। नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल अलग अलग है दोनों में। इसमें मैंने N1 से शो किया हुआ है और यहां पर ये N2 से शो किया हुआ है। तो इस आधार पर, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल के आधार पर, दो प्रकार के हम कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर हो सकते हैं, या तो स्टेप अप और या फिर स्टेप डाउन, दो प्रकार के ये हो सकते हैं, ठीक है। तो उसकी हम चर्चा करेंगे अभी। तो यहां पर जो इंड्यूस्ड EMF है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, EM is equal to MDI1 over DT। तो ये DI1 over DT किस तरीके से निकल के आई है, इसको एक बार समझ लीजिए। जो सेकेंडरी कॉइल है, उस सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स कितना होगा, तो नंबर ऑफ कॉइल N2 एंड फ्लक्स Φ2, ये प्रोपोर्शनल किसके होगा, I1 के, जो करंट फ्लो हो रही है पहली कॉइल में, उसी के कारण ये क्या हो रहा है, फ्लक्स जनरेट हो रहा है। सो N2 Φ2 इज इक्वल टू, यहां पर एक कॉन्स्टेंट आएगा विच इज M I1। M की वैल्यू हम यहां पर जब निकालेंगे तो कितनी मिल जाएगी अपने को, N2 Φ2 अपॉन I1, ये मान मिल जाएगा। अब फैराडे के नियम से अगर हम बात करें, तो फैराडे के नियम से क्या है, E इज इक्वल टू माइनस N2 d Φ2 ओवर dt, ये फैराडे का नियम है। तो यहां से हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू डी ओवर डी टी विद माइनस साइन N2 Φ2, यही तो होगा। N2 Φ2 की वैल्यू कितनी है, MI है, सो MI1। तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, MI1। ओके, तो यहां पर ये वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा M DI1 ओवर DT। तो E की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, माइनस का M DI1 ओवर DT। तो यहां से M की वैल्यू आप जब निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा E अपॉन DI1 ओवर DT। तो इस तरीके से म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू निकल के आती है। सेम वही मान अपने को यूज करना है, इसका मात्रक भी कितना होता है, हेनरी ही होता है। और हेनरी जो है हमें पता है किसके इक्वल होता है, 1 हेनरी इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर एम्पियर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। और इसकी जो बीमा होगी वो कितनी होगी, ML² T-2 A-2। अब अन्योन्य प्रेरकत्व पर जो क्रोड है उसके पदार्थ का क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसको आप ध्यान से सुन लीजिए। तो इफेक्ट ऑफ कोर मटेरियल ऑन म्यूचुअल इंडक्टेंस, सो इसको हम जानेंगे। तो यदि कुंडलियों में हम क्या करते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ जैसे कि लोहे की क्रोड है या फिर कुंडलियों को ही एक क्रोड पर लपेट दे, तो द्वितीयक कुंडली जो है, सेकेंडरी कॉइल जो है, उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान बढ़ जाता है। तो इंड्यूस्ड EMF बढ़ जाएगा अगर हम क्या करें कि कुंडलियों में कोई भी एक लौह चुंबकीय पदार्थ भर दे या फिर दोनों कुंडलियों को एक ही क्रोड पर लपेट दे, तो उससे क्या हो जाता है, विद्युत वाहक बल का मान बढ़ जाता है, जिससे कुंडलियों में अन्योन्य प्रेरकत्व यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस का मान भी बढ़ जाएगा। तो अन्योन्य प्रेरकत्व का मान कुंडली के पदार्थ पर भी निर्भर करता है, तो यहां पर मटेरियल पर निर्भर करेगा, ठीक है, मटेरियल पर ये क्या है, निर्भर करेगा। तो मुलायम जो नर्म लोहा है, ठीक है, ये मटेरियल नर्म लोहे की हम यहां पर बात कर ले रहे हैं, तो नर्म लोहे के प्रयोग से जो है अन्योन्य प्रेरकत्व का मान बहुत बढ़ जाता है और म्यू गुना हो जाता है। म्यू हमने अभी पढ़ा था, ठीक है, तो म्यू गुना ये मान हो जाता है, जो म्यू है वो यहां पर क्या है, परमिबिलिटी है।
तो म्यू जो है वो यहां पर क्या है, चुंबकशीलता, इसको हम हिंदी में बोलते हैं, तो ये चुंबकशीलता इसकी होती है। ठीक है, चूंकि ये इसका मान अधिक होता है नर्म लोहे में, तो इसीलिए क्या हो जाता है उसकी जो उसका मान है, न्यून प्रेरकत्व का मान है, वो इससे क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब बात करते हैं कि दो समाक्ष परिणालिकाएं हैं तो उनके बीच अन्योन्य प्रेरकत्व का मान कितना होगा। तो दो समाक्ष परिणालिकाएं और उनके बीच अन्योन्य प्रेरकत्व का मान अगर हमें चाहिए, तो मान लेते हैं कि इस तरीके की कोई भी एक परिणालिका है, एक पहली वाली वो रखी हुई है और साथ ही साथ दूसरी परिणालिका कुछ इस तरीके से रखी हुई है, तो ये क्या हो गई, समाक्ष परिणालिकाएं हो गई। ये पहली एक सोलेनॉइड है और ये एक दूसरा सोलेनॉइड है, तो एक सोलेनॉइड के अंदर दूसरा सोलेनॉइड कुछ इस प्रकार से रखा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर अपने को क्या चाहिए, ये मान लेते हैं कि नंबर ऑफ क्वाइल यहां पर ये N2 है और यहां पर ये नंबर ऑफ क्वाइल क्या है, N1 है। ठीक, तो B1 का मान कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट N1 अपॉन L I1। सेकेंडरी कॉइल के जो प्रति फेरे से संबद्ध मैग्नेटिक फील्ड है तो फाइ टू, उसका मान कितना हो जाएगा, तो उसको हम लिखेंगे बी वन ए, बी वन की वैल्यू अपने पास आई तो बी वन की वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए तो हो जाएगी म्यू नॉट एन वन आई वन अपॉन एल, और ए की वैल्यू कितनी है, पाई आर टू स्क्वायर। अब यहां पर जो है फाइ टू की वैल्यू आप जब लिखोगे तो फाइ टू का मान कितना हो जाएगा, फाइ टू का मान आप मैंने यहां पर लिख दिया है, तो ये हो जाएगा कितना, म्यू नॉट एन वन आई वन अपॉन एल पाई आर टू स्क्वायर। ठीक है, लेकिन फेरों की संख्या कितनी है सेकेंडरी कॉइल में, तो वो है एन टू, तो यहां पर एन टू से मल्टीप्लाई हो जाएगी और यहां पर भी एन टू से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो M का मान जब निकालोगे, अपने को पता है M इज इक्वल टू कितना है, M इज इक्वल टू होता है फाइ टू अपॉन आई वन, तो ये मान यहां पर जो फाइ टू का है वो यहां पर पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट एन वन एन टू ए अपॉन एल, तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस हो गया। तो अगर मैं यहां पर मान लू कि स्मॉल एन, एन वन अपॉन एल जो है वो स्मॉल एन है, तो यहां पर एम की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी म्यू नॉट एन N2 into A, तो ये मान आपका निकल के आ जाएगा, इसको हम N1 मान लेते हैं, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो आपका कुछ इतना निकल के आता है, या फिर ये भी आप इसको लिख सकते हैं, कब, जब दो परिणालिकाएं जो है वो एक ही अक्ष पर रखी हुई है, या म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल सोलेनॉइड, तो उसका जो मान होता है वो इतना होता है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक, एडी करंट। What is eddy current? Eddy currents are currents which circulate in conductors like swirling eddies in a stream. They are induced by the changing magnetic field and flows in closed loop perpendicular to the plane of a magnetic field. तो 1895 में फोकल्ट ने यह देखा कि जब मैग्नेटिक फील्ड में कोई परिवर्तन होता है तो उसमें क्या होता है, प्रेरित धाराएं उत्पन्न होती हैं। उन्होंने यह पाया 1895 में, यह ध्यान रखिए 1895 में फोकल्ट ने यह प्रयोग किया था, सबसे पहले यह पाया था कि जब किसी भी एक मटेरियल में या धातु के एक टुकड़े में परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र स्थित होता है या किसी चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार की गति करता है कि उससे जुड़े हुए चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगे, तो धातु के प्रत्येक आयतन में, पूरे आयतन में कुछ प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती है। जैसा कि आप यहां पर देख भी सकते हैं, यहां पर क्या है, ये एक मेटेरियल प्लेट है, मेटल की प्लेट है, मेटल प्लेट है, ये भी क्या है, एक मेटल प्लेट है, तो मेटल प्लेट के पास में यहां पर हमने क्या लिख दिया, मैग्नेट ले आए, और यहां पर भी दोनों ओर आप देख रहे हो मैग्नेट है, तो इससे क्या हो रहा है, एक परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, एक चेंजेबल मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो चेंजेबल मैग्नेटिक फील्ड क्या उत्पन्न करेगा, इसके संपूर्ण आयतन में, पूरे आयतन में एक धारा को इंड्यूस्ड कर देगा फैराडे के नियम के अनुसार। तो ये धाराएं जो होती हैं वो कुछ चक्करदार होती हैं,
सर्कुलेट होती हैं, यहाँ पर आपने देखा भी था सर्कुलेट होती हैं, तो इसके सर्कुलेट होने के कारण ही इनको क्या बोलते हैं, एडी करंट बोलते हैं। तो ये जो धाराएं प्रेरित होती हैं जो कि धातु के टुकड़े की गति का विरोध करती है, तो ये कुछ जल में उत्पन्न भंवर के समान चक्करदार होती हैं, तो इसीलिए इन धाराओं को हमने नाम दे दिया क्या, भंवर धाराएं या फिर एडी करंट। ये धाराएं इतनी प्रबल हो सकती हैं कि एक धातु का टुकड़ा भी क्या हो जाए, गर्म पड़ के लाल हो जाए एकदम। तो ये बहुत ज्यादा मतलब पावरफुल करंट होती है एडी करंट, और इन धाराओं का मान चालक के प्रतिरोध पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, इनका मान प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस पर निर्भर करता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, किस पर निर्भर करता है, रेजिस्टेंस पर, ठीक है। तो रेजिस्टेंस पर इसका जो एडी करंट है उनका मान निर्भर करता है। तो यदि किसी चालक का प्रतिरोध अधिक है तो भंवर धाराएं क्या होंगी, छीण होंगी, कम होंगी, कमजोर होंगी, और अगर रेजिस्टेंस बहुत ही कम है तो उसकी जो धारा का मान है, एडी करंट का मान है, वो क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो ये इस तरीके से ये रेजिस्टेंस पर निर्भर करेगा। तो एडी करंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इनसे बचने के, इनकी मतलब पहले तो हम इनके डिसएडवांटेज देख लेते हैं और फिर इसके एडवांटेज देख लेते हैं। तो लेकिन क्या है कि अगर हम किसी क्षेत्र से बाहर किसी धातु के टुकड़े को खींचे तो एक विरोधी बल का अनुभव करेगा, जिसके कारण क्या होगी, चादर बाहर की ओर खींचने पर चुंबकीय क्षेत्र में के भीतर चादर क्या है, इसका क्षेत्रफल धीरे धीरे घटता रहेगा। जैसे मान लो कि कोई लोहे का टुकड़ा है, लोहे की एक चादर है, शीट है, जो कि क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई है, उसको धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, बाहर की ओर खींच रहे हैं, तो उससे क्या होगा, उसके मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन होगा, चेंज होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड में जब वो चेंज होगा तो उसके कारण क्या होगा, उससे बद्ध फ्लक्स में भी चेंज होगा, और फ्लक्स में जब चेंज होगा तो उसके कारण कुछ ईएमएफ इंड्यूस होगा, और वही ईएमएफ जो है वो कुछ सर्कुलेट करंट के रूप में मिलती है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एडी करंट बोलते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। बट दे कैन बी क्रिएटेड व्हेन अ कंडक्टर इज मूविंग थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड और व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग ए स्टेशनरी कंडक्टर इज वेरिंग, दैट इज एनीथिंग विच रिजल्ट इन द कंडक्टर एक्सपीरियंसिंग ए चेंज इन द इंटेंसिटी और डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस एडी करंट। द साइज ऑफ द एडी करंट इज प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द एरिया ऑफ द लूप एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। जैसा कि मैंने बताया था कि जो ये एडी करंट होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगी रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर की। तो अगर रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर जो है वो हाई है तो एडी करंट वेरी वीक होंगी, और अगर रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर जो है वो बहुत ही कम है, लो है, तो एडी करंट क्या होगी, बहुत हाई होगी। तो ये इस तरीके से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं यूज ऑफ एडी करंट, यानी कि क्या इसके एडवांटेज है। तो डेट बीट्स गैल्वेनोमीटर, यानी कि इसको हिंदी में अगर बोलेंगे तो रुद्ध दोल धारा मापी बोलेंगे। द क्वाइल ऑफ द मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर विच इज यूज्ड फॉर अ मेजरिंग करंट इज बाउंड ऑन अ कॉपर और एल्यूमिनियम फ्रेम। व्हेन द करंट फ्लो द क्वाइल गेट्स डिफ्लेक्ट एंड एज सून एज द करंट स्टॉप द क्वाइल टेंड्स टू ऑसिलेट अबाउट द इक्विलिब्रियम पोजीशन। हाउएवर द एडी करंट जनरेटेड इन द मेटल फ्रेम अपोज द ऑसिलेटरी मोशन एज ए रिजल्ट इट टू ऑसिलेट, दिस मेक्स अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर डेड बीट्स। तो इसको अगर हम समझे तो कोई भी जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता है उसको डेड बीट बनाने के लिए, यानी कि तुरंत रोकने के लिए, हम क्या करते हैं, जो एडी करंट है उनका उपयोग करते हैं। इसके लिए जो है गैल्वेनोमीटर की जो कॉइल होती है वो हम कॉपर के विद्युत रोधी जो इंसुलेटेड कॉपर वायर होते हैं उनको एल्यूमिनियम के फ्रेम पर लपेट कर बनाते हैं। जब कुंडली जो है विक्षेपित होती है तो उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में ही परिवर्तन होगा, जिससे फ्रेम में कुछ एडी करंट जनरेट हो जाती है जो कि कुंडली की गति का विरोध करती है, और जो कुंडली है वो शीघ्र ही अपनी शून्य स्थिति में यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में लौट आती है। तो ये इसका एक सिद्धांत है डेड बीट गैल्वेनोमीटर का। आपने देखा होगा कि गैल्वेनोमीटर से जब हम किसी भी करंट को मापते हैं तो जैसे ही हम उसको करंट को हटाते हैं तुरंत जो उसकी सुई है वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाती है। तो उसके पीछे रीजन क्या है, एडी करंट, ठीक है। तो एक तो इसका उपयोग ये हो गया। सेकंड है यहां पर इंडक्शन मोटर, यानी कि जो प्रेरण मोटर है उसमें इसका कैसे प्रयोग होता है। तो इंडक्शन मोटर कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग मेटेलिक
एक्सेल माउंटेड लाइटली इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद इट्स एक्सिस एट राइट एंगल टू द फील्ड. इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज रोटेट विद रेस्पेक्ट टू द स्टेशनरी एक्सेल एडी करंट आर डेवलप्ड इन इट. तो प्रेरण मॉडल क्या होता है, जब मोटर क्या है कि जब एक धात्विक बेलन किसी घूमते हुए चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो बेलन में भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं. भंवर धाराएं मतलब एडी करंट उत्पन्न हो जाती हैं. तो ये धाराएं जो होती हैं वो लेंज के जो हमने नियम पढ़ा था लेंज का नियम, उस नियम का पालन करते हुए लेंज नियम के अनुसार बेलन तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच जो होती है एक आपेक्षिक गति होती है उसको घटाने का यह प्रयास करती है, जिसके कारण क्या होता है बेलन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घूमने लगता है. तो यही क्या है इंडक्शन मोटर का सिद्धांत है. सो द एडी करंट दस प्रोड्यूस्ड ट्राई टू रोटेट द रिलेटिव मोशन बाय रोटेटिंग द एक्सेल इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड. दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन मोटर. नेक्स्ट इंडक्शन फर्नेस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रेरण भट्टी. The heating effect of eddy current is used for melting a metal in an induction furnace. तो induction furnace में किसी metal को गलाने के लिए melt करने के लिए हम क्या करते हैं induction furnace का use करते हैं. Eddy current of large magnitude are produced field. The change in the magnetic field are also rapid. That very large eddy current are generated and heat produced is sufficient to melt quickly. An induction furnace is used to producing alloy of different metals. प्रेरण भट्टी में पिघलाए जाने वाले जो धातु होती है उसको तेजी से परिवर्तित होने वाले चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है जिसे उच्च आवृत्ति के प्रत्यावर्ती धारा से प्राप्त किया जाता है. तो हाई टेंशन जो एसी करंट है उससे इसको जोड़ा जाता है. इससे धातु में क्या होती है बहुत ही स्ट्रॉन्ग एडी करंट उत्पन्न हो जाती है जिनकी ऊष्मा से धातु जो होती है वो एकदम गर्म होके लाल पड़ जाती है और पिघल जाती है. तो ये जो प्रक्रिया है वो जो जितने भी खनिज पदार्थ होते हैं उनमें से धातु को निकालने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, धातुओं के निष्कर्षण के लिए इसका प्रयोग करते हैं. ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिक ब्रेक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे ट्रेन वगैरह को रोकने के लिए ये इसका यूज करते हैं. तो इलेक्ट्रिक ब्रेक यानी कि विद्युत ब्रेक. इट इज एन इफिशियंट सिस्टम ऑफ ब्रेक एम्प्लॉयड इन इलेक्ट्रिक ट्रेन. द एक्सल ऑफ अ ट्रेन सराउंडेड बाय द कोएक्सियल सिलेंड्रिकल ड्रम. When the train is to be stopped, a strong magnetic field is applied to rotating drum. This result in the generation of large eddy current which oppose the relative motion between the stationary field and the axle. Thus the train slows down, comes to rest quickly and smoothly. तो इसमें विद्युत रेलगाड़ियां जो होती हैं, ट्रेन जो होती हैं, उनमें पहियों की जो धुरी होती है एक साथ एक ड्रम उनमें लगा रहता है जो पहिए के साथ घूमता रहता है. जब ब्रेक लगाने होते हैं हमें तो ड्रम पर क्या कर दिया जाता है, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया जाता है, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया जाता है जिससे वो ड्रम में कुछ एडी करंट जनरेट हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है और ड्रम के पहिए को रोक देती है. तो ये काफी आसान सा तरीका है, ट्रेन में इसी का यूज कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक ब्रेक इसको बोलते हैं. तो ये इसके यूजेस थे. एक यूज इसका ये भी स्पीडोमीटर. तो स्पीडोमीटर यानी कि चाल मापी जो है, किस तरीके से हम चाल मापते हैं तो उसके लिए भी इसका यूज करते हैं. इन स्पीडोमीटर द मैग्नेट रोटेट्स इनसाइड द पिवोटेड मेटेलिक ड्रम. द स्पीड ऑफ रोटेशन डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ व्हीकल. एडी करंट्स इन द ड्रम कॉज ए मैग्नेट टू रोटेट विद द ड्रम. द रोटेट्स थ्रो an angle which is proportional to the speed of vehicle. A pointer attached to magnet gives a reading of speed of the vehicle on the calibrated scale. तो स्पीडोमीटर भी सेम ऐसी कार्य करता है जैसे हमने रुद्ध दूल धारा मापी पढ़ा था. तो ये जो होता है
स्पीड ऑफ रोटेशन डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ व्हीकल, ये किस पर डिपेंड करता है, व्हीकल की स्पीड पर डिपेंड करता है, और एडी करंट इन अ ड्रम कॉज अ मैग्नेट टू रोटेट द ड्रम, तो एडी करंट जो होती है वो इस ड्रम के रोटेट मैग्नेट में रोटेट होने के कारण जनरेट होती है, और इसी एडी करंट के द्वारा हम क्या करते हैं किसी भी व्हीकल की स्पीड को माप लेते हैं। तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा यूज है, एडवांटेज है। उसके बाद डिसएडवांटेज ऑफ एडी करंट, कुछ इसके भाई डिसएडवांटेज भी हैं तो उनको भी पढ़ना बहुत जरूरी है। देयर इज अ मेजर हीट लॉस साइक्लिंग एडी करंट्स कॉज लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू द फ्रिक्शन इन द मैग्नेट सर्किट स्पेशली वेयर द कोर इज सैचुरेटेड, दस देयर इज अ लॉस ऑफ द यूजफुल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का व्यय होता है एडी करंट में, और ये जो होती है बहुत ही अधिक मात्रा में एनर्जी को, एनर्जी लॉस इसमें देखने को मिलता है। देयर इज अ मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज भी देखने को मिलता है। साथ ही टू अवॉइड लॉसेज ड्यू टू द एडी करंट द कोर ऑफ इंडक्शन कॉइल एंड ट्रांसफार्मर इज नॉट कंस्ट्रक्टेड एज अ ब्लॉक बट ऑफ नंबर ऑफ थिन स्ट्रिप्स। सो यहां पर आप देख सकते हैं कि कॉइल जो है उसमें ट्रांसफार्मर में कॉइल की जगह हम किसका यूज करते हैं, मेटल प्लेट्स का यूज करते हैं, तो इसीलिए एडी करंट से बचने के लिए, इसको अवॉइड करने के लिए, इसका एडी करंट वहां पर उत्पन्न ना हो, तो इसीलिए हम ट्रांसफार्मर में कुछ मेटेलिक प्लेट का यूज करते हैं। ठीक है, तो डिसएडवांटेज तो काफी है। तो डायनमो जो है जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर जो हमने देखा था, और मोटर का जो आर्मेचर कुंडलियां होती हैं उनकी क्रोड में, तथा तो ट्रांसफार्मर के जो फ्रेम है उसमें भंवर धाराएं एडी करंट की उत्पत्ति द्वारा ऊर्जा जो है ऊष्मा के रूप में बहुत अधिक उत्पन्न होती है, काफी मात्रा में हीट के रूप में बहुत मात्रा में एनर्जी का लॉस हो जाता है, और इस ऊर्जा हानि को कम करने के लिए हम क्या करते हैं कि क्रॉड या फिर जो फ्रेम है उसको हम नर्म लोहे के अकेले टुकड़े के रूप में नहीं लेते, बल्कि क्या होता है नर्म लोहे की कई पतली पत्ती पत्तियों को वर्निश द्वारा जोड़कर बनाते हैं। तो आप, मैंने लास्ट पॉइंट जो बताया था वही हम क्या करते हैं, नर्म लोहे की पत्तियां लेते हैं और उनको जोड़कर बनाते हैं। तो इस प्रकार की जो क्रॉड है पटलित क्रॉड कहलाती है, यानी कि इसको हम बोलते हैं लेमिनेटेड क्रॉड। सो लेमिनेटेड क्रोड का हम यहाँ पर क्या करते हैं, यूज करते हैं। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, तो लेमिनेटेड कोर। ओके, सो लोहे के जो अकेले टुकड़े हैं उससे बनी साधारण क्रोड है, उसमें एडी करंट के टुकड़े के संपूर्ण आयतन में उत्पन्न होती है, लेकिन जो लेमिनेटेड क्रोड है उसमें एडी करंट जो है वो प्रत्येक पटलित क्रोड जो लेमिनेटेड कोर है उनमें अलग अलग बनती है। इस प्रकार इन जो करंट है, ये जो करंट है इनका जो पाथ है बहुत ही लंबा हो जाता है, जिससे इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और धाराएं जो होती हैं वो कमजोर पड़ जाती हैं। तो इससे क्या, जिससे क्या होगा, एनर्जी लॉस जो होगा कम होगा। ठीक है, तो ये कारण है कि ट्रांसफार्मर में हम कॉइल की जगह किसका यूज करते हैं, लेमिनेटेड कोर का यूज करते हैं। उसके बाद पावर डिसिपेशन ऑफ एडी करंट, पावर डिसिपेशन एडी करंट में कितना होता है, कौन से फॉर्मूले से हम इसको पता करेंगे, तो अंडर सर्टेन एजम्पशन यूनिफॉर्म मटेरियल यूनिफॉर्म मैग्नेट फील्ड नो स्किन इफेक्ट ईटीसी, ये जो है कुछ इसके एजम्पशन है, द पावर लॉस्ट ड्यू टू एडी करंट पर यूनिट मास फॉर थिन शीट और वायर कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन which is P is equal to pi square Vp square D square F square upon 6K rho D, where P is a power loss per unit mass which is watt upon kg per kilogram and Vp is the peak magnetic field, शिखर मान है किसका, magnetic field का, इसको हम B0 से भी show कर सकते हैं, this is no issue in Tesla, D is the thickness of sheet or diameter of the wire, D is a thickness or a diameter, ये इसका क्या है, व्यास है, okay, in meter, F is a frequency in hertz and K is a constant equal to the 1 for a thin sheet and 2 for a thin wire, okay, rho is the resistivity of the material, ohm meter, and D, capital D, here capital D is the density of the material, kilogram per meter cube. So this formula is indicate
of indicate to power dissipation of eddy current. You can write on your notebook. This formula is very important. And this is relation between frequency, density and magnetic field or power dissipation. तो इस फॉर्मूले के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, पावर डिसिपेशन निकाल सकते हैं, और इसी से हमें पता चलता है कि भाई शक्ति क्षय कितना होता है किसी भी एडी करंट के द्वारा. सो यहां पर हम सिर्फ इतना ही देखेंगे, और काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक थे. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए, और हमारा जो चैनल है एबीवीएस क्लासेस पावर्ड बाय शर्मा जी एजुकेशन, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियोस आपको लगातार देखने को मिलते रहे. क्रैश कोर्स है और बोर्ड की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है ये कोर्स, और तैयारी आपकी काफी अच्छी हो सके तो इस दृष्टि से ये कोर्स बनाया गया है. तो इसका लुत्फ उठाइए और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा. थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग.